हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टेक अपडेट एपिसोड 5 में मेरे पास बहुत सारे न्यूज है। जैसा कि आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एक अपडेट के बारे में बताऊंगा और आईफोन, सैमसंग, वीवो, रियलमी ये सभी ब्रांड का मेरे पास एक एक न्यूज है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज आ रहा है यूट्यूब के तरफ से। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब का जो शॉर्ट्स फीचर मिला था सभी को मिल गया था, उसी के बारे में एक वीडियो बनाया था। और अभी तक यूट्यूब का जो शॉर्ट्स का जो फीचर में कोई डेडिकेटेड बटन वहां पर नहीं मिल रहा है। यूट्यूब एक सेक्शन है होम, एक्सप्लोर, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है और इसी तरह यूट्यूब शॉर्ट का एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके जितने भी सारे शॉर्ट वीडियो हो देख पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इंस्टाग्राम का रील्स है, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रील्स। यूट्यूब ने आपको इसी तरह एक बटन देगा जहाँ पर लिखा होगा कि शॉर्ट, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको जितने भी सारे वीडियो आएगा वो सभी शॉर्ट्स वीडियो आएगा। फ्रेंड्स, आईफोन 12 सीरीज का यहाँ पर लॉन्च डेट अभी कंफर्म हो गया है और 13 अक्टूबर को ये जो फोन ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। अगर आपने इंटरेस्टेड है इस फोन को लेने के लिए, इसका जो लॉन्च इवेंट रात को 10 बजे होगा तो इसको देख सकते हैं। और क्वालकॉम ने उसका एक न्यू प्रोसेसर को लॉन्च करने के लिए जा रहा है जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 जो कि 5G प्रोसेसर होने वाला है और 1 दिसंबर को इसका लॉन्च इवेंट होगा। फिल्मी ने लॉन्च कर दिया उसका एक न्यू फोन जो कि रियलमी 7i। फ्रेंड्स, ये जो फोन का कुछ स्पेक्स बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 660 का एक अपग्रेड वर्सन है। जो स्नैपड्रैगन 660 को यहाँ पर शाओमी ने रेडमी नोट 7 पे दिया था जो कि 2 साल पहले दिया था। और इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का एक IPS HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, HD प्लस डिस्प्ले, यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलता है। यहाँ पर तो कंपनी HD प्लस डिस्प्ले दे दिया, फिर भी यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंपनी ने फुल HD डिस्प्ले के साथ यहाँ पर अगर 60Hz रिफ्रेश रेट दे दिए तो भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले के साथ यहाँ पर 90Hz आपको जो डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये फोन एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। इसका रियर में आपको क्वाड कैमरा मिलता है जो कि मेन कैमरा है 64MP का। और इसका बेस वेरियंट 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस है 11,999 रुपीज़ यानी 12,000 रुपीज़। फ्रेंड देखिए, आपको 12,000 रुपीज़ में यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, आपको प्रोसेसर भी बहुत ही पुराना प्रोसेसर मिल रहा है। अगर आपने रेडमी का एक फोन देखेगा रेडमी 9 प्राइम, वहाँ पर आपको 10,000 में फुल HD प्लस मिल रहा है और 4GB रैम और 64GB रोम भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैमरे के लिए आप इतना प्राइस दोगे सिर्फ यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले। सो अगर आपने इस फोन को खरीदने के लिए सोच रहे थे कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फोन को मत लीजिए, आप दूसरे को भी फोन को देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है सैमसंग के तरफ से। सैमसंग का एम सीरीज का और एक न्यू फोन जो कि सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम, देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें फीचर जो सैमसंग गैलेक्सी M31S का पूरे सेम है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता नहीं यहाँ पर सैमसंग ने ऐसा क्यों करता है। सैमसंग गैलेक्सी M31S का ये पूरे 100% रीब्रांडेड वर्सन है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर तो फीचर सैमसंग मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी M31S से इसका जो प्राइस होगा थोड़ा कम हो सकता है। और ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, जब ये लॉन्च होता है और इसका प्राइस कितना रहता है, मैं आपको मेरा जो टेक अपडेट का वीडियो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको कल टेक अपडेट वीडियो में आपको बताया था कि वीवो का एक V20 सीरीज का एक फोन आने वाला है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है और वो एक ऑफलाइन का सेगमेंट का फोन है क्योंकि वो वीवो V सीरीज है। फ्रेंड्स, उसका जो प्राइस अभी लीक्स हो गया है उसका प्राइस यहाँ पर 30,000 के अंदर रहेगा और ये 13 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। तो देखेंगे लीक्स के अकॉर्डिंग इसका प्राइस यहाँ पर 30,000 के अंदर रहता है या ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है इंस्टाग्राम के तरफ से। इंस्टाग्राम का जो IGTV और रील्स है वहाँ पर जो भी वीडियो बनाते हैं उनके लिए अच्छा न्यूज है। इंस्टाग्राम ने वो सभी क्रिएटर को एक ऑप्शन देगा शॉपिंग ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी के लिए होगा और यूट्यूब में जो फीचर बहुत ही पहले से और इसका नाम है यूट्यूब स्टोर। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एक न्यू ब्रांड है जो कि अमेरिकन ब्रांड है। इस फोन का नाम है TeraCube 2e और ये जो फोन बहुत ही जल्द ग्लोबली लॉन्च होगा और इसका जो प्राइस होगा $99। और ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा इसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ग्लोबल ईयर लॉन्च होता है और मैं आपको ये क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको मिलता है 4 ईयर का वारंटी, 4 ईयर वारंटी, इसीलिए मैं आपको बता दिया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी जितने भी सारे फोन आ रहा है 1 ईयर वारंटी। मेरे पास एक फोन है रेडमी 7 है, वहाँ पर था 2 साल का वारंटी, लेकिन ये जो फोन आ रहा है TeraCube के तरफ से TeraCube 2e, इसमें आपको मिलता है 4 ईयर का वारंटी, 4 ईयर का वारंटी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सभी ब्रांड को भी ऐसा देना चाहिए। ये फोन तो बहुत ही जल्द ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, देखेंगे ये इंडिया को आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये जो कंपनी अमेरिकन कंपनी है, ये कोई चाइनीज कंपनी नहीं है। फ्रेंड्स, आज का टेक अपडेट एपिसोड 5 में मेरे पास इतने सारे न्यूज़ था। आज का टेक अपडेट एपिसोड 5 आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में
जरूर बताइए। और फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने एक एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखते देखते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स क्या करें यार, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि जो जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो फ्रेंड चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।